एन ए कोचिंग में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है विजयना। विजयना के बारे में पढ़ेंगे, पहले ये देखेंगे विजयना बनी किस है। आईब्रो, मस्कुलर मेम्ब्रेन होती है, तो 35 स्क्वेमस एपिथीलियम की बनी होती है। बस हैप्पी थी, दोनों ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फाइब्रोमस्कुलर ऑर्गन है, ओके, फाइब्रोमस्कुलर मेम्ब्रेन और बनी किसकी है, 35 स्क्वेमस एपिथीलियम की, ओके। अगर इसके अंदर अपन देखें और ये जो 0.8 से लेकर के 4.5 एसिडिक नेचर होता है, क्या पीएच की बात करें तो पीएच कितनी 0.8 से लेकर 4.5। अब यहाँ से अगर अपन देखें कि होलो ऑर्गन है, एंटीरियर जो वॉल होती है वो 7.5 सेंटीमीटर और पोस्टीरियर वॉल होती है वो 9 सेंटीमीटर। नॉर्मल वे के अंदर अगर अपन देखें के अंदर तरीके से है फाइब्रोमस्कुलर, फाइब्रो यहाँ से अगर अपन देखें तो एंटीरियर वॉल है, ये वाली वॉल एंटीरियर 7.5 और ये जो पोस्टीरियर वाली कितनी 9 सेंटीमीटर। अब यहाँ से जो 1.5 सेंटीमीटर ये वाली कहलाती है लेटरल फॉर्निक्स। यहाँ से सर्विक्स स्टार्ट होती है, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। आगे जाके डायग्नोसिस देखते हैं पल्सेशन लेटरल फॉर्निक्स, तो आपको पता होना चाहिए कि लेटरल फॉर्निक्स कौन सा पार्ट होता है, ठीक है। अगर अपन देखें तो 1.5 सेंटीमीटर है, ये 1.5 सेंटीमीटर वाला पार्ट क्या कहलाता है, लेटरल फॉर्निक्स। एंटीरियर वॉल होती है, लेंथ होती है 7.5, पोस्टीरियर होती है 9 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ हो गई, इसकी बनी होती है 35 स्क्वेमस एपिथीलियम बनी होती है और इस तरीके से इसकी 45 डिग्री एंगल के ऊपर। अब अपन बात करें विजाइनल फ्लोरा, विजाइनल फ्लोरा की बात करें, विजाइना के अंदर 90% रोडरलाई बेसिली बैक्टीरिया, 90% डोडरलाई बेसिली बैक्टीरिया होता है और इसके अंदर 9% जो बैक्टीरिया होता है वो होता है बिफिडो, बिफिडो बैक्टीरियम, 1% होता है कंडीशनल पैथोलॉजिकली, जैसे लाइक कैंडिडा वगैरह, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस तरीके से विजाइना के अंदर 90% तो कौन सा बैक्टीरिया होगा, रोडरलाई बेसिली बैक्टीरिया, 9% कौन सा हुआ तो बैक्टीरियम और 1% कौन सा हुआ कंडीशनली पैथोलॉजिकली, जैसे कैंडिडा वगैरह इस तरीके के बैक्टीरिया होंगे। अब यहाँ से अगर अपन देखें रोडरलाई जो बेसिली बैक्टीरिया होता है वो लैक्टोज प्रोड्यूस करता है, लैक्टोज प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसका नाम है लैक्टो बेसिली बैक्टीरिया, क्या याद रहेगा कि जो टोडरलाइज जो बैक्टीरिया है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, लैक्टोज। इसको क्या नाम दे दिया, लैक्टो बेसिली बैक्टीरिया। ये क्या काम करता है, लैक्टोज प्रोड्यूस करता है और इसके अलावा हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड और लैक्टोज प्रोड्यूस करता है, इसकी है ना हेल्थी रखता है, एयर इसकी पीएच को मेंटेन करता है और ये वेजाइना को क्या रखेगा, हेल्थी रखेगा। अब यहाँ से अगर अपन ये देखें कि किस तरीके से ये पीएच को मेंटेन करेगा, अभी अपन ने देखा था कि जो वेजाइना की जो पीएच होती है 3.8 से लेकर के 4.5 होती है, ये पीएच होगी,
अब ये पीएच प्रेगनेंसी में भी सेम रहती है क्या, थोड़ी तो डिफरेंट होती है, नेचर कैसा होगा इसका एसिडिक? अगर प्रेगनेंसी की बात करें, प्रेगनेंसी के अंदर पीएच होती है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है 3.8 से ले 3.8 to 4, और 1 SD 0.3 हल्का सा एसिडिक हो जाती है। कहने का मतलब है 4.5 है, 4.5 यानी 4 पॉइंट समथिंग होती है। इसके अंदर अगर अपन देखें कि जैसे नॉर्मल देखें कि आपने लिया सैंपल जो एसिडिक नेचर है सभी जगह बेजाना का सेम नहीं रहता, इसके अंदर क्या रहेगा कि जैसे मान लो इंट्रो टेस्ट से लिया, टॉइस से लिया या मिड स्ट्रीम से लिया, मिड स्ट्रीम से लिया या एंटीरियर, एंटीरियर से लिया या पोस्टीरियर वॉल से लिया या कहाँ से, इस तरीके से ये पीएच इस तरीके से रहेगी, हल्का सा क्या रहेगा एसिडिक नेचर है। ठीक है, अब यहाँ पर अपन देखें ये क्या हो, हल्के सी चेंज हुई इतनी सी, अगर ये हल्की पीएच बढ़ जाती है, हल्की सी पीएच बढ़ने का कारण क्या होता है, कोई किसी तरीके का इन्फेक्शन ना हो, पीएच का बढ़ना इन्फेक्शन को इंडिकेट करेगा। अब इन्फेक्शन को इंडिकेट करेगा तो अर्ली से अर्ली अगर अपन यूँ देखें तो पीएच है वो किस तरीके से चेंज हो सकती है, जैसे मान लो पीएच हो गई 4.2 लेकर के 4.5, 1 SD प्लस माइनस 7.7, यहाँ से अगर ये चेंज है, ये हल्की सी क्या हुई, हल्की सी देखो 4.5 तक तो होती है लेकिन ये ज़्यादा हो गई, यहाँ से लेंगे 0.7 बढ़ गई, 0.7 बढ़ गई, और यहाँ से अगर और भी बढ़ करके ये पीएच लमसम अगर यहाँ तक पहुँच गई 5.2 6.1 लेके 1 SD प्लस माइनस 0.8 ये इंडिकेट करेगी इन्फेक्शन, और ये अपने को देखने को मिलेगा प्री मैच्योर रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पीएच से भी अपने को पता लग रहा है इन्फेक्शन हो रहा है, यहाँ पर अगर प्री मैच्योर रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो गई, प्री मैच्योर रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के अंदर ये पीएच हल्की सी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, कितनी हो गई 5.2 करके 6.1 तक, 1 SD 0.8 प्लस माइनस 0.8 तक ये चेंज हो जाएगी। यानी पीएच की बात करें अपन, नॉर्मल कन्फ्यूज नहीं होना, यहाँ पर नॉर्मल पीएच कितनी लेकर के 4.5, अब यहाँ पर प्रेगनेंसी में हल्की सी एसिडिक रहती है, अगर बेसिक चली जाती है तो ये जो बैक्टीरिया इसमें पाए जाते हैं ये खुद ही इन्फेक्शन कर देंगे, और वो किसी तरीके का इन्फेक्शन ना हो, इन्फेक्शन को कम करने के लिए हल्की सी पीएच कम होती है तो ज़्यादा चेंज नहीं होती, 4.5 है यानी सब जगह 4.5 नहीं होती, 3.8 से लेकर के 4 प्लस माइनस 0.3 यानी कम भी हो सकती है हल्की सी, यानी जैसे मान लो अपना इंट्रोयूट्रस के अंदर कितनी है, मिड स्ट्रीम में कितनी है, एंटीरियर वाल के अंदर कितनी है, पोस्टीरियर वाल के अंदर कितनी है, टोरा में कितनी है, थोड़ी सी डिफरेंट डिफरेंट होती है। अब पीएच अगर ये हो गई तो किस चीज़ को इंडिकेट कर रही है, इन्फेक्शन को, और ये हुई तो सीवियर इन्फेक्शन को, और ये प्रेगनेंसी के अंदर बात करें कौन सी कंडीशन में होगी, प्री मैच्योर रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप आगे देखें तो वेजाइना का फंक्शन क्या है, वेजाइना के फंक्शन की बात करें तो मैन इसकी फंक्शन है पॉपुलेशन, पार्चुरेशन और मेस्ट्रेस, मेन फंक्शन हो गए क्या, पॉपुलेशन, पार्चुरेशन और मेस्ट्रेस। बात करते हैं अपन पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन सेक्सुअल इंटरकोर्स, जहाँ से अगर अपन देखें नॉर्मल वे के अंदर अपन बात कर रहे हैं तो वेजाइना किस तरीके से कोपुलेशन में हेल्प करती है वो देखो,
यहाँ पर सल्कस होते हैं, हाइब्रोमस्कुलर बनी मेम्ब्रेन सल्कस होते हैं, और इसके अंदर क्या होते हैं, प्रेशर पॉइंट होते हैं। तरीके से स्ट्रक्चर होती है। अब नॉर्मल वे के अंदर क्या होता है, पॉपुलेशन वाला पार्ट है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। पॉपुलेशन होता है तो पॉपुलेशन किसको बोला, यानी फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड मेल प्रोन्यूक्यूल्स हैं, ठीक है, वो फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन के लिए कोपुलेशन होगा, तो कोपुलेशन के अंदर क्या होता है वो देखो। अगर अपन नॉर्मल बात कर रहे हैं, जैसे मेल से और फीमेल, पॉपुलेशन किस में होगा, मेल और फीमेल। अब मेल की बात करें अपन, मेल से स्पर्म का प्लस होता है, ऐसे ही अगर आपको बताएं कि फीमेल से किस चीज का एजुकेशन होगा पॉपुलेशन के दौरान, दोनों की पैथोफिजियोलॉजी देखो। यहाँ से अगर अपन देखें, मेल के अंदर सबसे ज्यादा नर्व सप्लाई किसमें पाई जाती है, ग्लैंड पेनिस, और फीमेल के अंदर इसका होमोलोगस क्या होता है, क्लाइटोरिस। ग्लैंड पेनिस का होमोलोगस क्या होता है, क्लाइटोरिस। अब दोनों के अंदर नर्व सप्लाई ज्यादा पाई जाती है, दोनों के अंदर नर्व सप्लाई ज्यादा पाने की वजह से ग्लैंड पेनिस की पेनिस के अंदर ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, ब्लड सप्लाई बढ़ेगी ग्लैंड पेनिस की पेनिस में ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, जिसकी इंफेक्शन की कंडीशन आती है, और क्लाइटोरिस की वजह से वेजाइना के अंदर ब्लड सप्लाई बढ़ेगी। कह रहे हैं यानी कि मेल और फीमेल दोनों में इंटरकोर्स होगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, वो कोपुलेशन कहलाता है। मेल से स्पर्म का और सीमन का, मेल से किस चीज़ का एजुकेशन होता है वो देखो। ग्लैंड पेनिस की वजह से पेनिस में ब्लड सप्लाई बढ़ी, क्लाइटोरिस की वजह से कहाँ ब्लड सप्लाई बढ़ी, वेजाइना के अंदर। अब यहाँ ब्लड सप्लाई बढ़ी है वेजाइना के अंदर, अब यहाँ ब्लड सप्लाई बढ़ने की और प्रेशर पॉइंट होते हैं, यहाँ ब्लड सप्लाई बढ़ी, ब्लड के अंदर से प्लाज्मा का डिस्चार्ज होगा, प्लाज्मा का डिस्चार्ज होगा हाफ टी स्पून 4 ml। फिर है कई बार ये होता है कि अमूमन अपन बोलते हैं कि यहाँ पर पॉपुलेशन के दौरान मेल से स्पर्म का एजुकेशन होता है, तो बच्चे बोलते हैं कि फीमेल से ओवम का होता है, ओवम का नहीं होता। फिर है बात, ओवम का तो 14 दिन ओवुलेशन होगा, साइकिल के अकॉर्डिंग होता है, अगर साइकिल 28 दिन की है तो ओवुलेशन कब हुआ, 14वें दिन। दूसरी चीज है बार्थुलिन ग्लैंड, तो बार्थुलिन ग्लैंड सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान लुब्रिकेशन का काम करती है, ना कि मतलब यूं बोल सकते हैं कि यहाँ पर बार्थुलिन ग्लैंड किसका होमोलोगस हुआ, फीमेल के अंदर बार्थो ग्लैंड है, मेल के अंदर काउपर ग्लैंड है, दोनों का काम क्या होता है, कोपुलेशन के दौरान किसी ना हो तो लुब्रिकेशन का काम करती है, वो अलग बात है। अब यहाँ से अगर अपन बोल पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन के अंदर क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों में फर्टिलाइजेशन होगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, सॉरी सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, उस कंडीशन सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो मेल और फीमेल, मेल से बात करें तो स्पर्म और सीमन का, और फीमेल से बात करें तो किसका एजुकेशन होगा, प्लाज्मा का, दोनों इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर, यानी कोपुलेशन के दौरान ओवम का रिलीज नहीं होता फीमेल से, किसका होगा, प्लाज्मा का, हाँ प्लाज्मा डिस्चार्ज होगा, और कितना होगा, हाफ टी स्पून या 4 ml, ठीक है। बार्थुलिन ग्लैंड का काम करेगी लुब्रिकेशन का, यहाँ पर होमोलोगस मेल की बात करें, काउपर ग्लैंड ये भी किसका काम करेगा, लुब्रिकेशन, जैसे स्पर्म और सीमन का एजुकेशन होगा उससे पहले किस काउपर ग्लैंड लुब्रिकेशन का काम करेगी, और यहाँ पर कोपुलेशन होगा उससे पहले बार्थुलिन ग्लैंड दोनों साइड में होती है, कोई किसी हो तो लुब्रिकेशन का काम करेगी। इस तरीके से वेजाइना का पहला फंक्शन क्या हुआ, पार्चुरेशन, सॉरी पॉपुलेशन, दूसरा क्या है, पार्चुरेशन, पार्चुरेशन किसको बोलते हैं, बर्थ ऑफ बेबी, बच्चे को जन्म देना क्या कहलाता है, पार्चुरेशन, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पार्चुरेशन बोलते हैं बर्थ ऑफ बेबी, और मेस्टोसन साइकिल के दौरान जो पथ पाथवे तैयार करता है, पाथवे होता है कौन सा होता है, वेजाइनल,
यानी तीन फंक्शन हो गए इसके, कॉपुलेशन, पार्चुरेशन और मेस्ट्रेशन। क्लियर है तीनों चीज़ें? द कॉपुलेशन, पार्चुरेशन और मेस्ट्रेशन, मेस्ट्रेशन साइकिल के दौरान जो एंडोमेट्रियम सेड आउट होती है, एंडोमेट्रियम सेड आउट होती है, इधर से आएगी वेजाइना के थ्रू, यानी मेस्ट्रो साइकिल के अंदर पाथवे प्रदान करना, बच्चे को जन्म देना, और कॉपुलेशन या सेक्सुअल इंटरकोर्स फंक्शन है। क्लियर है? ये हो गया वेजाइना वाला पार्ट। थैंक यू।